टुडे वी विल स्टडी न्यू जीके ऑफ क्लास थर्ड. दिस इज द चैप्टर 6, नेम एनिमल बेबीज क्रॉसवर्ड. तो आज हम लोग आपकी ब्लूरे की न्यू जीके का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे. इस चैप्टर का नाम है एनिमल बेबीज, यानी जानवरों के बच्चे, और एक क्रॉसवर्ड है. तो क्रॉसवर्ड हम लोग फिल करेंगे. उसके नीचे लिखा है रीड द फॉलोइंग क्लूज, यानी जो नीचे क्लूज दिए गए हैं उनको हम लोगों को रीड करना है. एंड फिल द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर्स. और ये जो क्रॉसवर्ड है आपकी, इसको हमने ऑलरेडी फिल कर रखा है आप लोगों के लिए. इसको हम लोगों को फिल करना है ये जो गिवन पिक्चर्स दी गई हैं, फ़ोटोज़ दी गई हैं, इनकी मदद से. तो देखिए, सबसे पहले हम लोग नीचे जाएंगे. डाउन लिखा है, डाउन का मतलब हो गया ऊपर से नीचे क्रॉसवर्ड भरेंगे. तो पहला है ए बेबी ऑफ डक. तो ए बेबी ऑफ डक को हम लोग बोलते हैं डकलिंग. तो इसका डी देखिए आप ऑलरेडी लिखा है, उसके नीचे यू भरेंगे. सी के एल आई एन जी, ये क्रॉस सॉरी डाउन फिल करेंगे. तो ये आपका हो जाएगा डकलिंग. फिर आते हैं सेकंड नंबर पे. सेकंड नंबर भी डाउन यानी ऊपर से नीचे फिल करेंगे, ए बेबी काउ. तो सबसे पहले तो आप देखिए सेकंड कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है ये डक है इसके नीचे. तो बेबी काउ को काफ बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग होती है सी ए एल एफ, इसको हमने फिल कर रखा है. फिर तीसरा नंबर है ए बेबी डॉग. तो आप थर्ड वाले को ढूंढेंगे, डॉग के बेबी को पपी बोलते हैं. तो पी, अब यू यहाँ पर डक वाला डकलिंग वाला आ जाएगा, उसके बाद पी पी वाई, ये आपका पपी हो गया. फिर आते हैं फोर्थ नंबर पे, ए बेबी हैन. तो फोर्थ नंबर है आपका ए बेबी हैन. तो हैन के बेबी को चिक बोलते हैं. तो इसकी आप स्पेलिंग देखिए, सब फोर्थ नंबर सी लिखा हुआ है, उसके नीचे एच आई सी के लिखेंगे. फिर आते हैं फिफ्थ नंबर पे, हम लोगों को दिया है ए बेबी गोट, यानी बकरी का बच्चा. तो बेबी गोट को हम लोग बोलते हैं किड. ये आपका कैसा भरा जाएगा, एक्रॉस भरा जाएगा, यानी लेफ्ट से राइट की ओर. तो के आई डी फिफ्थ वाला आपका हो गया किड, ठीक है. अब आते हैं सिक्स. सिक्स में है ए बेबी हॉर्स. तो घोड़े के बच्चे को क्या बोलते हैं, घोड़े को के बच्चे को बोलते हैं फोल. तो एफ ओ ए एल, ये भी आपका क्रॉस, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ फिल करेंगे. सिक्स वाला देख रहे हैं आप पॉइंट, ये. फिर उसके बाद अपना दिया है सेवन नंबर अ बेबी ईगल. तो ईगल के बच्चे को, यानी जो आपका बाज है उसके चील के बच्चे को क्या कहते हैं. तो इसके बच्चे को बोलते हैं ईगलेट. तो इसकी स्पेलिंग आप भरेंगे सेवन, यानी अप टू डाउन भरेंगे ऊपर से नीचे की ओर, ई ए जी एल ई टी, ईगलेट. अब आते हैं एर्थ. एर्थ पे है ए बेबी कैट, यानी बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं. तो बिल्ली का बच्चा ये अक्रॉस फेल करेंगे हम लोग, किटन. तो एट वाला आपको देखो के ऑलरेडी लिखा है और लास्ट में एन लिखा है, तो बीच में आप आई डबल टी ई एन किटन फिल करेंगे. उसके बाद नाइन है आपका अ बेबी गूज, यानी बतख के बच्चे को क्या बोलते हैं. तो नाइन्थ वाले में आप अक्रॉस यानी लेफ्ट से राइट की ओर फिल करेंगे, गॉसलिंग जी ओ एस एल आई एन जी. अब आपका लास्ट बचा है टेंथ नंबर अ बेबी शीप, यानी एक भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं. भेड़ के बच्चे को लैम्ब बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग आप अप टू डाउन फिल करेंगे एल ए एम बी. और यहीं पे आपका ये जो चैप्टर है क्लास थर्ड का 6, ये कंप्लीट हो गया.